Now, interesting example based on string size property. Just मैंने previous में मैंने जितने भी आपको points provide की थे, उन्हीं points को conclude करने के लिए just simply मैंने आपको example write down कराया, clear? Just इसका मैं explanation provide करूँगा based on concepts. सबसे पहले most important के especially याद रखना before learning that session. इससे just पहले आपके लिए most important के है watching previous session. अगर आपने previous string का session watch नहीं किया, then हो सकता आपके case, आपके लिए इस case में कई सारे confusions create हों, clear? जस्ट फर्स्ट केस टोटल इस केस में मैंने फोर डिफरेंट टाइप से स्ट्रिंग के डिक्लेरेशंस प्रोवाइड किए देन इस केस में आपको चेक करना है इस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग ये चारों के चारों डिक्लेरेशंस कैसे यूनिक डिक्लेरेशंस क्लियर इन दैट केस फर्स्ट केस में स्ट्रिंग केस में नेम क्या है ए बी सी एंड डी क्लियर स्ट्रिंग नथिंग बट इट इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट केस जैसे इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट में सभी केसेस के लिए मैं फोर सेपरेट डायग्राम क्रिएट करूंगा फर्स्ट वन में डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं वेरिएबल ए ए इज अ एरे इस एरे के केस में टोटल थ्री कैरेक्टर्स आने की है मैंने आपको ऑलरेडी बोला था स्ट्रिंग के केस में जस्ट टू पॉसिबल केस मीन्स जब भी आप पार्शियली स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दो मीन्स एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यूजिंग डबल कोट्स इन दैट केस अगर आपने एरे का साइज प्रोवाइड नहीं किया तो साइज प्रोवाइड न करने के केस में स्ट्रिंग का साइज ऑलवेज क्या हुआ एन प्लस वन अगर स्ट्रिंग में एन कैरेक्टर्स हैं तो इस केस में एक्स्ट्रा लास्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली इंसर्ट हुआ कॉल्ड एज नल कैरेक्टर इसलिए फर्स्ट केस में स्ट्रिंग का साइज क्या हुआ थ्री प्लस वन इज फोर बाइट्स क्लियर फर्स्ट केस में ए के लिए टोटल कितने बाइट्स एलोकेट करना फोर बाइट्स प्लस ये फोर बाइट्स किस प्लेस पर क्रिएट होंगे सारे के सारे स्ट्रिंग क्रिएट हुए या लोकल वेरिएबल इसलिए क्रिएट करा हुआ इनसाइड स्टैक डायग्राम ठीक है इस केस में स्टैक डायग्राम में आपको कई सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे क्योंकि स्ट्रिंग के केसेस में स्ट्रिंग से सॉरी स्टैक से रिलेटेड भी कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा लाइक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो स्लैक बाइट मीन स्लैक बाइट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसके इसमें डिस्कस करूंगा जस्ट एड्रेस प्रॉपर्टी और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स जस्ट इस केस में सिंपल डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट रिगार्डिंग साइज ऑफ स्ट्रिंग नथिंग एल्स इस फर्स्ट केस में जैसे स्ट्रिंग ए क्रिएट किया तो ए क्या है इस केस में एरे इस केस में एड्रेस क्या है इसका 100 101 102 103 इसी हमें एड्रेस रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए मैं कोई भी एड्रेस यूज कर रहा हूँ इस केस में टेन मैटर फर्स्ट केस में आसानी क्या हो जाएगा कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर सी प्लस एक कैरेक्टर किस फॉर्म में स्टोर होंगे बाइनरी नंबर ऑफ देयर आस्की वैल्यू जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली कैरेक्टर सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लस लास्ट कैरेक्टर क्या इंसर्ट हुआ इस केस में नल इसे कंप्लीट होल एरे का नेम क्या हुआ एरे नेम इज ए इज अ एरे नेम क्लियर अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ए का साइज डिस्प्ले कराओगे इस केस में ए का साइज ए के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए फोर बाइट्स तो इस केस में ए का साइज क्या प्रिंट होगा फोर जस्ट साइज में बाद में डिस्कस करूंगा दिस इज द फर्स्ट केस सेकेंड केस में बात करना है अगेन मैंने प्रोवाइड क्या किया डिक्लेरेशन फोर अगेन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल बी इन बी के केस में मैंने साइज प्रोवाइड किया इसलिए साइज क्या इस केस में फाइव तो एक्जैक्टली फाइव बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा बाइट एड नहीं हो जबकि प्रीवियस केस में एक्स्ट्रा बाइट एड हुआ था जो नल इस केस में स्ट्रिंग का साइज क्या सेकेंड केस में बी के रिस्पेक्ट में फाइव अगेन एक और एरे क्रिएट होगा लेकिन इस बार एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं टोटल फाइव एलिमेंट्स सपोज दैट अगर इसका एड्रेस 200 है मैं रियल एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी जस्ट नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टैक डिस्कस करूँगा उसके इसमें प्रॉपर रिलेशन क्रिएट करूँ विद रिगार्डिंग एड्रेसेस 202 203 204 जस्ट इसके इसमें 100 का डिफरेंस नहीं आएगा क्लियर नेक्स्ट वन फर्स्ट केस में आसान क्या हो रहा है कैरेक्टर ए सेकेंड प्लेस पर आसान होगा कैरेक्टर बी थर्ड प्लेस पर आसान होगा कैरेक्टर सी देन इस टाइप के इनिशियलाइजेशन को आप नेम दोगे या पार्शियल इनिशियलाइजेशन की केस में अन इनिशियलाइज्ड लोकेशन में बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होगा नल कैरेक्टर इट इज इक्विवेलेंट टू जीरो क्लियर इस केस में नल कितने इंसर्ट हो रहा है टू नल देन नेक्स्ट वन मीन्स फर्स्ट और सेकंड में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है फर्स्ट केस में मैंने कोई मैन्युअली कोई नल इंसर्ट असाइन नहीं किया है कोई साइज प्रोवाइड नहीं किया फिर भी नल ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली इंसर्ट हुआ है लेकिन सेकंड केस में साइज फाइव प्रोवाइड किया तो एग्जैक्टली कितने बार क्रिएट हुआ इस केस में एग्जैक्टली फाइव अगर आप फाइव कैरेक्टर असाइन करते थे उस केस में नल किसी भी प्लेस पर स्टोर नहीं होता इन केस ऑफ बी नेक्स्ट वन इन केस ऑफ सी सी के केस में एरे का टाइप क्या कैरेक्टर एरे लेकिन यहाँ एरे स्ट्रिंग के फॉर्म में इनिशियलाइज हुआ है कैरेक्टर वाई कैरेक्टर वन मोर थिंग्स
अगर आप कैरेक्टर बाई कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करो, इस केस में कभी भी कोई एक्स्ट्रा बिट एक्स्ट्रा बाइट ऐड नहीं हुआ। मीन्स इस केस में टोटल 3 कैरेक्टर्स आन हुए हैं, स्पेस भी कितने बाइट्स के लिए एलोकेट हुआ, ओनली 4, 3 रिक्वायर्ड बाइट्स, एड्रेस समथिंग 300, 301, 302। फर्स्ट केस में आसान क्या हो जाएगा, ए बी और सी। इस केस में कोई एक्स्ट्रा नॉट इंसर्ट हुआ है क्या, नहीं। प्लस इस स्ट्रिंग का नेम क्या, सी। नेक्स्ट वन डी, डी स्पेशल केस है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। इस केस में एलोकेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में डी के, अगर आप केवल डी को कंसोलिडेट करो तो डी क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर, और पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, साइज क्या होता है, ऑलवेज 2 बाइट, या डी के लिए 2 बाइट्स एलोकेट होंगे। प्लस डी लोकल वेरिएबल, इसलिए डी इटसेल्फ कंक्रीट होगा इन साइड स्टैक। इस स्टैक के अंदर डी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 2 बाइट्स। अगर इस प्लेस का एड्रेस 400 है, देन 398 एंड सो ऑन, देन डी, डी इज अ पॉइंटर। लेकिन इसके इसमें स्ट्रिंग डबल कोट्स के थ्रू असाइन किया, याद रखना इसके इसमें कभी भी स्ट्रिंग को पॉइंटर्स के केस में कभी भी इस टाइप से 1x1 इनिशियलाइज करना पॉसिबिलिटी इज इनवैलिड, ओनली डबल कोट्स के फॉर्म में इनिशियलाइज करना पॉसिबल है इन केस ऑफ पॉइंटर्स। देन एबीसी, एबीसी स्ट्रिंग केस में क्रिएट किस प्लेस पर, इनसाइड डेटा सेगमेंट और डेटा एरिया सेपरेटली। इस डेटा एरिया के अंदर सेपरेटली कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, कैरेक्टर्स कितने आसान हुए, 3, लेकिन साइज क्या हुआ, 4, क्योंकि लास्ट कह रहा है इस केस में भी अगेन इम्प्लिसिटली इंसर्ट क्या हुआ, नल, ए बी सी एंड नल। प्लस एड्रेस क्या, समथिंग 400, और 400 में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, कुछ भी है जिनको ले जाए, 110 111 112 113। क्लियर। तो इस केस में स्ट्रिंग का कोई नेम है क्या, नहीं। फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, स्ट्रिंग के प्लेस पर स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, बेस एड्रेस क्या, 110 110 आसान हुआ इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल डी। देन अगेन 110 इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वन, कंक्लूजन ऑफ दिस एग्जांपल, डिस्प्ले करा है फर्स्ट केस में साइज ऑफ ए। ए के केस में चेक करो मेमोरी के अंदर जिस प्लेस का नेम ए है उस प्लेस के अंदर टोटल बाइट्स कितने एलोकेट हुए हैं, इसके लिए 4 बाइट्स। तो इसलिए फर्स्ट केस में साइज कितना डिस्प्ले होगा, एग्जैक्टली 4 बाइट्स, इन दैट केस 4 बाइट्स। सेकेंड केस, साइज ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करो, बी का साइज मेमोरी पास किया था 5, इसलिए बी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए, 5 बाइट्स। तो बी का साइज कितना प्रिंट हुआ इस केस में, एग्जैक्टली 5। नेक्स्ट वन, साइज ऑफ सी, सी के केस में सी का टाइप क्या था, कैरेक्टर एरे। इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ है, मींस नल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ, इसलिए साइज क्या, ओनली 3। नेक्स्ट वन डी, डी क्या है इस केस में, स्ट्रिंग और पॉइंटर, डी इज अ पॉइंटर, जिस प्लेस का नेम डी है इस प्लेस का साइज क्या, 2 बाइट्स, क्योंकि पॉइंटर का साइज क्या होता है, ऑलवेज 2 बाइट्स। पॉइंटर मींस एड्रेस, और एड्रेस का साइज क्या होता है, ऑलवेज 2 बाइट्स। लास्ट केस, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस केस में पहले साइड डिस्प्ले होगा, पहले एक्सप्रेशन रिजॉल्व करोगे, पहले चेक करोगे इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है। अगर आपने किसी भी प्लेस पर राइट डाउन किया ए प्लस 1, तो ए के प्लेस मीन जस्ट जब अगर आप इसे एडिशन को सॉल्व करोगे तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, इसे स्ट्रिंग ए का बेस एड्रेस, और एड्रेस किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। देन इंक्रीमेंट कितने से होगा, 1 से 101, और 101 क्या है, मीन्स जब भी एड्रेस के साथ कोई भी नंबर आप ऐड कराते हो, देन इसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में आता है, एड्रेस, और एड्रेस मीन्स अगेन पॉइंटर। मीन्स एड्रेस को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 2 बाइट्स। तो यहाँ इस केस में जो भी साइज रिप्रेजेंट हुआ, साइज स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आ रहा है, एड्रेस के रिस्पेक्ट में, एड्रेस और एड्रेस मीन्स पॉइंटर, और पॉइंटर का साइज क्या होता है, 2 बाइट, इसलिए लास्ट केस में भी साइज क्या होगा, ऑलवेज 2 बाइट। मीन्स किसी भी एड्रेस के साथ जब भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराओगे, देन इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, और वी कैन से पॉइंटर, पॉइंटर का साइज क्या होता है, ऑलवेज 2 बाइट, इसलिए लास्ट केस में साइज क्या है, एग्जैक्टली 2 बाइट। दिस इज द आउटपुट इन गिवन केस। मीन्स इस टाइप से स्ट्रिंग को डिफरेंट टाइप से इनिशियलाइज करना पॉसिबल है। वन मोर थिंग्स अगेन स्पेशली याद रखना, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इसको आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट केस, सम इनवैलिड केस और इनवैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। अगर मैं राइट डाउन करता हूँ, कैर स्टार ई इक्वल्स टू ए बी एंड सी, इज इट वैलिड और इनवैलिड, कम्प्लीटली इनवैलिड। रेज क्या हुआ इसके इसमें, कंपाइल टाइम एरर, इट इज इनवैलिड सिंटैक्स। मीन्स पॉइंटर्स के केस में स्ट्रिंग को ओनली डबल कोट से इनिशियलाइज करना पॉसिबल, कभी भी पार्शियली इनिशियलाइज या लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है। वन मोर केस, अगर आप कोई कैरेक्टर एरर क्रिएट करते हो, लाइक कैरेक्टर ए इक्वल्स टू ए बी सी, दिस इज द फर्स्ट केस।
देन नेक्स्ट टाइम मैंने सन किया ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इज इट वैलिड और इनवैलिड? मीन्स ये आपके लिए कोई नया पॉइंट नहीं है, ओल्ड वन है। वैलिड होगा इनवैलिड? इनवैलिड। रीजन, इस केस में ए क्या है? स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग के साथ साथ ये रियल में है क्या? एरे ऑफ कैरेक्टर मीन्स फाइनली एरे नेम। ए क्या है इस केस में? नेम ऑफ एरे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था एरे किसी भी टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, कैरेक्टर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का, डजेंट मैटर। मीन्स एरे में ना ही असाइनमेंट करना पॉसिबल होता है और एरे के अंदर ना ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पॉसिबल है। मीन्स यहाँ ये असाइनमेंट किस में हो रहा है? एरे नेम में। देन इस केस में क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। दिस इज द डिफरेंट डिफरेंट केस रिलेटेड टू स्ट्रिंग। अगर मैं डिस्कस करूंगा सम मोर एग्जाम्पल रिगार्डिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन, मीन सभी एग्जाम्पल आपको कोई ना कोई न्यू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें, इसलिए कोई भी वीडियो आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। मीन जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट केस हो। नेक्स्ट केस में अगेन मीन्स मेरा मेन मोटिव क्या है एग्जाम्पल्स के थ्रू? जस्ट आपको स्ट्रिंग्स रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करना।